अस्सलाम वालेकुम, मैं हूफिज़ अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौर पब्लिशर में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गौहर ग्रेस उर्दू प्ले ग्रुप 3+। सफ़ा नंबर 18 पे हम मिलने जा रहे हैं एक और ख़ानदान से, लेकिन उससे पहले कुछ हदायात जो कि असासा के लिए हैं, और वो हदायात ये हैं। बच्चों को उर्दू हरूफ तहजी के हर्फ जीम और इससे शुरू होने वाले अल्फाज के आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि जीम की आवाज़ क्या है। जीम की आवाज़ है जीम ज, जीम ज, जा नहीं बोलेंगे, ज ज ज। बताएं कि हर्फ जीम का तलफ़ुज़ जीम है। बच्चों से पूछें कि हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है। हर्फ जीम लिखने और खाकों में रंग भरने में बच्चों की रहनुमाई करें। जीम से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे जाला, जुगनू वगैरह। तो जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ख़ानदान की तरफ। जैसे कि अलिफ का ख़ानदान हमने पढ़ा था, बे का ख़ानदान पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीम का ख़ानदान। और जीम के ख़ानदान का पहला हर्फ है जीम, और यहाँ पे मौजूद हैं जीम के कुछ दोस्त। और कितने ज़्यादा दोस्त यहाँ पे जीम के मौजूद हैं, अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है जीम ज, जहाज़। और आपको पता है जहाज़ कहाँ पे मौजूद होते हैं? सड़क पे तो मौजूद नहीं होते ना, जैसे कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, साइकिल होती है, वो तो सड़क पे चल सकते हैं। लेकिन जहाज़ कहाँ पे चलते हैं? जहाज़ चलते हैं पानी में, समुंदर में, दरिया में। और आपको पता है पाकिस्तान में भी समुंदर है, और समुंदर कहाँ पे है? कराची में। और कराची में हमारी एक बहुत बड़ी बंदरगाह है, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें अपने मुल्क में दरामद और बरामद करते हैं। जैसे को कोई चीज़ मंगवाते हैं, और जिनको हमारे मुल्क से कोई चीज़ चाहिए होती है वो भेजते हैं बाहर। और जो जहाज़ होते हैं वो समुंदर में मौजूद होते हैं, और बहुत बहुत बड़े जहाज़ होते हैं। जीम किसका दोस्त है? जहाज़ का दोस्त है। और कुछ जहाज़ ऐसे होते हैं जिसमें हम सामान बाहर भेजते हैं, और कुछ जहाज़ ऐसे होते हैं जिसमें लोग भी बैठते हैं। तो ये क्या हो गया? जीम ज, जहाज़। और यहाँ पे आगे हमारे पास मौजूद है एक और जीम का दोस्त, जो कि है जग। जग में हम पानी डालते हैं, जूस डालते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम पीते हैं वो हम जग में डालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जीम ज, जहाज़ एक दोस्त हो गया, और एक हो गया जीम ज, जग। और ये है हमारे पास यहाँ पे जुगनू। इस बच्चे का क्या नाम है? जुगनू। और जुगनू ने क्या पहना हुआ है? जूता पहना हुआ है। कितना प्यारा जूता पहना हुआ है ना। जूता ज़रूर पहनना चाहिए ताकि आपके पाँव गंदे नहीं हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने दोस्त मौजूद हैं? जीम के 3 दोस्त मौजूद हैं, जीम ज, जहाज, जीम ज, जग, जीम ज, जूता। और जूता किसने पहना हुआ है? जुगनू ने पहना हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सफ़ा नंबर 18 समझ में आ गया होगा। दोहराते रहें ताकि आप लोग की रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।